नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए बात करेंगे आयात निर्यात के बिजनेस की, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस की। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या होता है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस ऐसा है जो लंबे समय तक चलता है और आप स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कई कानूनी कार्रवाइयाँ हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा, और ये कानूनी कार्रवाइयाँ जो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ख़त्म करनी होंगी। उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है और इसके स्टेप्स क्या हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आयात निर्यात व्यापार के लिए पंजीकरण। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए आपको व्यापार ट्रांसपोर्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हालांकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब कोई पर्सन अपने देश से किसी दूसरे देश के बीच बिजनेस करता है तो ये बिजनेस केवल उन दो लोगों का नहीं होता बल्कि उन दो देशों का भी होता है जिनके बीच ये बिजनेस हो रहा है। इसलिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ और रजिस्ट्रेशन भी कराने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस MSME के तहत रजिस्टर कराना होगा, और इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी होगी। MSME के तहत रजिस्टर कराने के अलावा आप उद्योग आधार की सहायता से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आता है शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन। यदि आप किसी कॉरपोरेशन इलाके में रहते हुए अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपको शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी अपना बिजनेस रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में ये बिजनेस करते हैं, ऐसे में ये रजिस्ट्रेशन काफी जरूरी हो जाता है और आपको ग्राम पंचायत की तरफ से एक NOC की भी जरूरत पड़ेगी। IE कोड। IE कोड का फुल फॉर्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, और आप इसके नाम से ही समझ आइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये कोड भारत सरकार के फॉरेन ट्रेड मंत्रालय से मिलता है और इसके लिए वहां पर आवेदन करना होगा। ये काम किसी चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से भी 2,000 रुपए के अंदर कराया जा सकता है। फिर आता है GST रजिस्ट्रेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप किसी CA की मदद ले सकते हैं या फिर खुद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये सभी रजिस्ट्रेशन के बाद आप बिना किसी रुकावट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पर आने वाले खर्च की। इसका खर्च जाहिर तौर पर कंटेनर के साइज पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप 20 फीट का कंटेनर पोर्ट टू पोर्ट किराए पर ले सकते हैं। इस कंटेनर का किराया आपको किसी भी देश से, मान लीजिए चीन से भारत सामान मंगाने के लिए $500 से $700 तक का हो सकता है। हालांकि ये चार्ज अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। इस कंटेनर के हिसाब से आप अपना सामान एक्सपोर्ट करा सकते हैं। आमतौर पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए तक की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत टैक्स आदि भी शामिल है। तो ये थी वो तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज जो आपको पूरी करनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने से पहले। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। आपके रिप्लाईज का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। किस तरह के और वीडियोज आप बिजनेस से रिलेटेड देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको तमाम अपडेट्स समय समय पर मिलती रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।